प्रशासन द्वारा कांग्रेस को मशाल जुलूस निकालने की नहीं दी गई अनुमति। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज मणिपुर से राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उपलक्ष में सभी जनपदों में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। आपको बता दें जो कि अम्बेडकर पार्क से डिप्टीगंज चौराहा, कोर्ट रोड गुरहट्टी चौराहा, जैन मंदिर एकता द्वारा गांधी मूर्ति कंपनी बाग में समाप्त हुई। राशिद अलवी द्वारा जो पूर्व सांसद हैं, मुख्य अतिथि ने कहा कि माननीय राहुल गांधी द्वारा आज प्रारंभ की गई भारत जोड़ो यात्रा गरीबों के हक के लिए, सामाजिक आर्थिक अन्याय के लिए, जो जनता के विरुद्ध जितने भी अन्य केंद्र सरकार द्वारा अत्याचार उत्पीड़न किए जा रहे हैं, आवाज़ बुलंद करने के लिए 6600 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा के उपलक्ष्य में मुरादाबाद में जनता से जुड़ने के लिए निकाली गई है। राशिद अलवी ने कहा कि राहुल गांधी 15 प्रांतों में जाएंगे और लोकसभा की 100 सीटों से गुजरेंगे और महाराष्ट्र में समाप्त करेंगे। देश के अंदर न्याय होना चाहिए या हिंदू मुस्लिम के लिए जो नफरत भारतीय जनता पार्टी लगातार पैदा कर रही है और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, इसे हमें उम्मीद नहीं थी। अगर यह प्रोग्राम बीजेपी का होता तो अनुमति दी जाती, लेकिन हमारा प्रोग्राम है तो कोई अनुमति नहीं है। मैं 22 तारीख को राम मंदिर नहीं जाऊंगा। जिन लोगों की राम मंदिर के साथ आस्था है उन लोगों को वहां जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी क्यों जा रहे हैं? भाजपा राजनीति कर रही है, लोगों को घर घर भेज रही है और सबसे पहले बात हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे, जबकि मोदी जी और योगी जी शंकराचार्य जी के पैर छूते हैं और उनसे विनती करते हैं कैसे संभव है कि बिना शंकराचार्य के इतना बड़ा प्रोग्राम किया जाए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज क्या प्रोटेस्ट है सर? प्रोटेस्ट नहीं है, खामोश करो यार। ये प्रोटेस्ट नहीं है, आज राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा। वो इम्फाल से निकाल रहे हैं, मणिपुर से 15 प्रांतों में जाएंगे। करीब करीब लोकसभा की 100 सीटों से गुजरेंगे और महाराष्ट्र में बॉम्बे में ख़त्म करेंगे। ये न्याय यात्रा है, उसी के सपोर्ट में हमारी ये यात्रा यहाँ मुरादाबाद में निकल रही है कि देश के अंदर न्याय होना चाहिए, सारे लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान की जो नफरत भारतीय जनता पार्टी लगातार पैदा कर रही है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, ये कोई हमें उम्मीद नहीं थी। जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक लोकतांत्रिक मर्यादाओं की कोई इज्जत नहीं होगी। इसीलिए तो अगर ये प्रोग्राम बीजेपी का होता तो इजाजत दी जाती, हमारा प्रोग्राम है तो इजाजत नहीं दे। अच्छा, 22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बारे में क्या जाएंगे? देखिए, जिन लोगों की आस्था है, हमारे कांग्रेस के लोग भी बहुत सारे जा रहे हैं। आपकी आस्था है ना अकबर साहब, आप जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं जा। बड़े लीडर हैं, देश बड़े लीडर के हैसियत से कहना है, जिन लोगों की आस्था है राम मंदिर से, उन लोगों को वहाँ जाना चाहिए। जिन जिन लोगों की जहाँ आस्था है, और ये प्रोग्राम बीजेपी एहसास दिला रही है कि उनका प्रोग्राम है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाया, अब नरेंद्र मोदी जी क्यों जा रहे हैं भाई वहाँ पे? ये बीजेपी इसको एक्सप्लॉइट कर रही है, राजनीति कर रही है, घर घर भेज रही है लोगों को। और सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे। सबसे पहले तो मोदी साहब और योगी जी को जाना चाहिए था, शंकराचार्य जी के पांव छूते, उनकी खुशामद करते, उन्हें लेकर जाते। ये कैसे संभव है कि बगैर शंकराचार्य के इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाए? लेकिन हमारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हमारे और यूपी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जा रहे हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आस्था से जोड़ के देखा जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? जाहिर है, आस्था के जिन लोगों की आस्था है उनको जाना चाहिए, और हमारा देश जाना जाता है एक दूसरे की आस्था की इज्जत करने के लिए। जिनकी जो आस्था है एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, चलिए।